दिस इज देव शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल पार्क प्रॉपर्टीज। आज हम आ चुके हैं ग्रेटर नोएडा के एमयू सेक्टर में और मैं दिखाने वाला हूं आपको यहां पे 1 BHK फ्लैट जो कि मात्र 8 लाख से यहां पे प्राइस स्टार्टिंग हो जाता है। हेलो गाइस, दिस इज देव शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल पार्क प्रॉपर्टीज। आज हम आ चुके हैं ग्रेटर नोएडा के MU1 सेक्टर में। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको MU2 के 1 BHK फ्लैट सिखाए थे और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MU1 के इंडिपेंडेंट हाउसेस की और 1 BHK फ्लैट्स के बारे में। MU1 सेक्टर एक पॉपुलर लोकेलिटी है ग्रेटर नोएडा की। इस लोकेलिटी का पिन कोड 201-310 है। अभी के समय में यहाँ पर काफ़ी प्रॉपर्टीज सेल पर हैं। यहाँ पर आपको मिनिमम 70 मीटर से लेकर 120 मीटर तक के इंडिपेंडेंट हाउसेस देखने को मिल जाएंगे। इन इंडिपेंडेंट हाउसिंग की लॉन्चिंग डेट जो है वो 2012 की है, तो ये इंडिपेंडेंट हाउसेस लगभग 10 साल पुराने हैं। इनकी पोजेशन अथॉरिटी ने कंस्ट्रक्शन के हिसाब से दे दी गई थी। कुछ पोजेशन जो है 2014 में दे दी गई थी और कुछ पोजेशन जो है वो 2015 में दी गई थी। पर बात करें 2014 और 15 में, ये एरिया लगभग खाली था और सुनसान रहता था, इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा लोग रहना पसंद नहीं करते थे। पोजेशन लेने के बाद भी, पोजेशन तो ले ली पर इनकी केयर नहीं होती थी। यही कारण है कि ये इंडिपेंडेंट हाउसेस थोड़ी ओल्ड कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लगने लगे हैं। अभी के समय में यहाँ पर काफ़ी फैमिलीज रह रही हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी में काफ़ी उछाल देखने को मिला है। इस सेक्टर में 4 ब्लॉक हैं, A, B, C और D। ए और बी ब्लॉक में आपको 70 मीटर के हाउस देखने को मिलेंगे, सी ब्लॉक में आपको 90 मीटर के और डी ब्लॉक में आपको 120 मीटर के इंडिपेंडेंट हाउसेस देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस सेक्टर की रोड्स की, तो रोड्स भी जो है आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिलेंगी, जहाँ पर आपको इंटरनल रोड्स जो है वो 9 मीटर और 12 मीटर की देखने को मिलेंगी और इसकी मेन रोड जो है वो 18 मीटर की देखने को मिलेगी, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा एम्पल कार पार्किंग स्पेस भी मिल जाता है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो यहाँ पर आपको 48 लाख से लेकर 90 लाख तक के इंडिपेंडेंट हाउसेस परचेज के लिए मिल जाएंगे। 70 मीटर का हाउस जिसकी डायमेंशन 7x10 की है वो लगभग 48 लाख ऑनवर्ड्स में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 90 मीटर का हाउस जिसकी डायमेंशन 7.5x12 की है वो लगभग यहाँ पर 60 से 70 लाख में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और 120 मीटर आपको जिसकी डायमेंशन 8x15 की है वो लगभग 75 से 90 लाख तक आपको यहाँ पर परचेज के लिए मिल जाएगा। इस सोसाइटी में आपको काफ़ी अच्छी ग्रीनरी के साथ साथ 7 पार्क भी मिल जाते हैं जो कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा डेवलप किए जाते हैं। यहाँ से सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जो है वो दीपो का है, जो कि 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और परीचौक राउंड अबाउट यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और कालंदी कुंज की दूरी यहाँ से लगभग 27 किलोमीटर की है। तो चलिए अब चलते हैं MU1 के फ्लैट्स की तरफ, जहाँ हम बात करने वाले हैं 1 BHK फ्लैट्स के बारे में। इंडिपेंडेंट हाउसेस के साथ साथ ये 1 BHK फ्लैट्स भी आपको MU1 सेक्टर के अंदर ही मिल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं फ्लैट की तरफ। तो चलिए आ चुके हैं हम इसके फ्लोर पर, तो आपको लेके चलता हूं मैं आगे। एक फ्लोर पर जो है आपको यहाँ पे 4 फ्लैट मिलने वाले हैं। 1 BHK का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ पर बना के दिए थे, तो आप देख सकते हैं एक फ्लोर पर यहाँ पे 4 फ्लैट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए अंदर से मैं आपको दिखवा देता हूँ फ्लैट। एंट्री करते ही जो इसका हॉल है, और हॉल के साथ ही आपको इसमें बालकनी देखने को मिल जाएगी। काफी अच्छा जो है वेंटिलेशन यहाँ पे फ्लैट को देखकर बनाया गया है। ये फ्लैट जो है 40 स्क्वायर मीटर में है, जो लगभग 450 से 500 स्क्वायर फीट का बैठता है, और ये जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। इसमें आपको अभी रॉ कंडीशन में जो है मैं फ्लैट दिखा रहा हूँ। इसका किचन भी आप देख सकते हैं, हॉल के साथ ही जो है इसका किचन अटैच्ड है। तो चलिए चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। और ये इसका जो टॉयलेट है वो अलग दिया गया है आपको, WC, इसमें इंडियन टॉयलेट देखने के लिए मिलेगा, और इसका जो बाथरूम है वो आपको अलग दिया गया है। और ये है इसका सेकंड बेडरूम, जिसमें कि इसमें ऊपर जो है आपको काफी स्पेस रखने की जगह भी दी गई है। ये फ्लैट एक छोटी फैमिली के लिए बहुत ही बढ़िया है शुरुआत के लिए। तो इस फ्लैट को परचेज करने के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के दिए गए नंबर पर। मैं हूं आपका होस्ट देव शर्मा, पार्क प्रॉपर्टीज नोएडा से।